बिलासपुर जिले के एक प्राइवेट स्कूल में पांचवी कक्षा के छात्र के साथ इंग्लिश टीचर द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें छात्र के माता पिता ने अध्यापक के खिलाफ सदर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। वहीं पूरे मामले को लेकर डीएसपी बिलासपुर संजय शर्मा ने जांच कर उचित कार्रवाई करने की भी बात कही। कहते हैं एक अध्यापक छात्र के लिए केवल गुरु ही नहीं होता, बल्कि उसके भविष्य को संवारने वाला एक नायक भी होता है। मगर ये नायक अगर खलनायक ही बन जाए तो छात्र आखिर कहाँ जाए। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला बिलासपुर से सामने आया है, जहाँ ग्रीनवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्योत में एक इंग्लिश के टीचर ने मामूली से सवाल का जवाब न मिलने की एब्स में पांचवी क्लास के छात्र कार्तिक की पिटाई कर दी, जिसकी जानकारी मिलते ही छात्र के परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि छात्र के सिर पर चोट आई है। वहीं टीचर की इस हरकत से नाराज परिजनों ने बिलासपुर सदर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। स्कूली छात्र कार्तिक का कहना है कि उसे इंग्लिश टीचर ने सिर पर डंडा मारा, क्योंकि उसको एक सवाल का जवाब नहीं पता था, जिससे उसे चक्कर भी आने लगे थे। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, मेरे को पीछे लेके गए, मेरे को मारे डंडे से। कहाँ मारा? सिर पे। फिर? मुझे फिर ऑफिस में लेके गए, वहाँ से घर को भेज दिया। घर के बाद फिर हम हॉस्पिटल ले गए मेरे को। पहले ही मारते थे से? डांटते से पहले की मारते थे डंडे से? पहले तो हाथ में मारते थे। वहीं छात्र की माता रमा देवी का कहना है कि इससे पहले भी इंग्लिश टीचर उसके बेटे को डंडे से मारता था, मगर सिर पर मारना सरासर गलत है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस मामले पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। पिटाई करी इसकी, उससे इसके सिर में भी काफी चोटें आई और वो इंग्लिश का पूछा था, शायद इसे नहीं आया होगा। अगर उसके बाद इसकी पिटाई की गई, उसके बाद इसे घर भेज दिया। घर भेजने के बाद ये घर नहीं पहुंचा, ये मुझे आधे रास्ते मिला और यहाँ से प्रधान ने कॉल किया हमें, तो प्रधान ने बताया कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो हम आए तो देखा तो इसके सिर में काफ़ी चोटें आई थी। उसके बाद हम इसे हॉस्पिटल लेके, जहाँ इसका मेडिकल करवाया गया, तो वहाँ पर उन्होंने चोट बताया। तो उसके बाद हमने इसे थाना सदर में भी हमने रिपोर्ट लिखवा रखी है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आगे स्कूल में टीचर ना ही मारे तो अच्छी बात है, अगर जो अगर नहीं आए तो ये समझा तो सकते हैं। अपील करती हूँ कि बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाए। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल नरेश ठाकुर का कहना है कि इंग्लिश टीचर द्वारा छात्र को छठी से धीरे से ही मारा गया था, जिसे तूल बनाकर स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। टेस्ट नॉर्मल चल रहे हैं स्कूल में, तो बच्चों ने जब सर ने इन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया बच्चों ने, तो सर ने मेरे ऑफिस में बच्चों को लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि सर की पेरेंट्स को कॉल करो और पेरेंट्स से मिलाओ इनसे। तो सर मैंने भी उन बच्चों को थोड़ा सा प्यार से उनको बताया कि एग्जाम के टाइम में आप बिल्कुल सीरियस काम करें वो करें। तो सर हमने पेरेंट्स को कॉल की इनके बच्चों को और मदर ने खुद अटेंड किया कि हम बच्चों को भेज दो। मैं क्या हम भेज रहे हैं बच्चों को? तो जब भी बच्चा जा रहा तो सर के हल्का सा सर ने मारा है इसको, तो मतलब मारा है उनको सर। और उसमें फिर पेरेंट्स ने उसके बाद क्या घर में जाके क्या किया हमें तो बाद में पता चला, जब बच्चे नहीं आए कि ऐसे ऐसे इन्होंने ऐसा बनाया है। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा कोई कंसर्न है पनिशमेंट से रिलेटेड कोई इस वेज में कोई नहीं, ऑलरेडी हम अवेयर हैं इन चीज़ों में और टीचर भी अपने वे से काम करते हैं। तो ये कुछ ऐसा बना दिया गया है स्कूल को डिफेम करने के लायक का, मतलब जिस वजह से मतलब एलिगेशन लगा दिए गए हैं। वही मामले पर कार्रवाई को लेकर जब डीएसपी संजय शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। जोत में प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों द्वारा एक छात्र के साथ मारपीट का मामला जो है वो थाना सदर बिलासपुर में सामने आया है। इस संदर्भ में थाना में आईपीसी की धारा 323 और जुबिलाइन जस्टिस एक्ट की धारा 75 के अंतर्गत जो है वो मामला पंजीकृत किया गया है, जिसकी जो है वो जांच की जा रही है। इसमें जैसे भी तथ्य होंगे उसके आधार पर जो है पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी।